بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. अब नैनो टेक्नोलॉजी आप लोग कह रहे हैं कुछ सिम से आएगी और खून से आएगी, वैक्सीन से आएगी, दिमाग में जो आएगी, ठीक है। मैं तो पिटी जान लिया जो है, ठीक है। और ये ख्याल से, सोच से, जिसको आप कह रहे हैं ना नजर, ठीक है। हाँ ये है कि ये आपको ये फोन और इस फोन की मुझे फ्रीक्वेंसी पता, मैंने उस नंबर पे इसको किया, तो ये तो एक सिस्टम है ना, मैथमेटिकल फिजिकल सिस्टम जो आप लोगों की फिजिकल एप्रिसिएशन में है। लेकिन एक हमारा अपना टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हर इंसान के अंदर है और वो इतना फाइन है कि आपके दिल की धड़कन तक जो है वो दूसरा बंदा जो है वो फील कर सकता है। होगा टू वे ट्रैफिक, उसकी रिसेप्शन भी हो, वो भी रिसेप्टर हो, आप ट्रांसमीटर हो या आप रिसेप्टर हो वो ट्रांसमीटर हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह लें, कई नाम रख लेंगे, टेलीपैथी कह लें या कुछ कह लें। वो जी मुर्शद पाक नजर आ गए, थे मुर्शद पाक लाहौर बैठे सन, मुर्शद पाक बगदाद थे तो अचानक वो उधर पहुंच गए। सफीना जो लोग की कहानियां सुनाते हैं, करामात अपनी जगह जो कुछ भी है, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें हैं भी। लेकिन उसको गोरे ने या साइंसदानों ने या फिलोसफर्स ने या रिसर्च करने वाले ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी साइंटिफिक बेसिक्स जो हैं फिजिकल वर्ल्ड में निकाल के, और गौर वो नेचर पे करते हैं, वो नेचर पे गौर करते हैं। जैसे एक जानवर होता है बड़ा अजीब बेढंगा सा, पतला सा, बड़ा सा उसका ऊँट की तरह कुहान होता है, इतने इतने छोटे से पाँव होते हैं, बाकी वो जो इतना बड़ा पहाड़ सा उसका आर्मेडिलो शायद से कहते हैं, इतना सा मुंह होता है, पीछे बहुत लंबी मोटी दुम होती है, और चलता है तो वैसे ऐसे लगता है अभी इधर को गिरा के इधर को गिरा, इधर को गिरा, ना वो इधर गिरता है ना वो उधर गिरता, बड़ा बैलेंस होता है। उसके स्ट्रक्चर के ऊपर कई हैंगिंग, उसके जो वर्टेब्रल कॉलम कह लें या उसकी स्पाइन या उसकी हड्डियों का जो स्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरह अल्लाह ने उसको बनाया हुआ है, उस पर इंजीनियर ने गौर करके दुनिया में बड़े बड़े हैंगिंग ब्रिजेस बनाए हैं, जिन्होंने उस पर सोचा है कि अच्छा यार ये जितना मर्जी ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए गिरता नहीं, इसके नीचे उसकी फुटिंग्स में क्या साइंस है, इवन समुद्र पे बनावा रहे हैं उन्होंने, ठीक। अब दूसरों के लिए वो मनूस है, साढ़े वास्ते इन्ना ही बड़ा कि मनूस है, ये फलानियाँ रूह आदियाँ ने, ये तो नहीं डिगदा, ठीक। उसके सिर्फ स्ट्रक्चर पर गौर कर लिए। इसी तरह जो टेली कम्युनिकेशन अगला फील्ड है जो अब आपका, ये तो बड़ी तेजी से जो नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह जो है, मैं वो बोल रहा हूँ पिछले 20 साल से कि हमारी सोच से, जिसे आप नजर कहते हैं, कि जी नजर लग गई है, एक हसद की नजर है, एक प्यार की भी नजर है, माँ की नजर लग जाती है ना बच्चे को, अपने आप को लग जाती है। बंदा एवं बैठते कह बैठता है कि गड्डी है जी इन्हें बड़ी खिदमत की, जपानी गड्डी, जपानी गड्डी होती है, लगी नहीं, लग भी जाए तो डेंट नहीं पैंदा, ठीक है, अगले दिन नहीं उस वेले लगती है। जे तुसी बैठे तुसी माशाला ना कहो ना सुभानला ना कहो अलहमदिल्ला ना कहो, तो अचानक कोई साहब कोई मोटरसाइकिल वाले या कोई खुतारेड़ी वाला कोई चिंगची वाला, ठीक है, उसको भी प्यार आ जाता है, वो पारी कर लेता है गाड़ी को, और कहना तुसी क्यों गिला कीता कि निशान नहीं पैंदा डेंट नहीं पैंदा, असी मोरा कर दिने, ठीक। जापानी भी उत्थी रह जाता है, लोहा भी उत्थी रह जाता है, टेक्नोलॉजी भी उत्थी रह जाती है, ठीक है, और बंदे का मूंह भी छुआरे तरह हो जाता, बंदा सोच रहा हूँ होया कि है, सोचिया तो मैं ही सी, अब ये क्या है, ये सब बाई चांस है, ये एनर्जी का फील्ड है। अभी वो चली गई हैं पिंडी से, जो भी जनरल साहब आई थी तो उनका सुबह फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी मैं हर सूरत आप तक पहुँचना है लेकिन लगता है आप मेरे से मिलना नहीं चाहते, सुबह 11 बजे। मैंने कहा जी मुझे ये नहीं पता चला कि आप कौन बोल रहे हैं, नंबर अननोन है। उन्होंने इस्लामाबाद में बाबा जी की काकी होती हैं उनका नाम लिया और मुझे कहने लगे कि मैं उनके साथ कोलीग भी हूँ और मेरे मियाँ आर्मी में फलां ऑफिसर हैं, हम साहिवाल आए हुए हैं किसी शादी पे। मैंने बाजी से वहाँ वादा करके बड़ी मुश्किल से आपका नंबर सारा कुछ ढूंढा था और उन्होंने कहा था अच्छा जाओगी मेरा भी सलाम कहना, लेकिन मैंने उन्हें आपका नहीं बताया था, मैंने तो लिल्ला का बताया था, मैं लिल्ला तो हाजिरी दे आई हूँ। मैं कहा जी गल ख़त्म हो गई, लिल्ला हुआ ही हैं आप तो बाबा जी से, नहीं नहीं वो मैंने हाजिरी जैसे भी उन्होंने कहा था आंखें बंद करके वो मैं बाबा जी की जाली पकड़ के बैठी रही है वो सारी। मैं कह जी अच्छी बात है, अब आपने मेरे से मिलना है तो आप दुआ में आ जाइएगा। नहीं डॉक्टर साहब वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे पता चल गया आप मिलना नहीं चाहते। मैं कह जी ये इलहाम तो किमें होया, उन्होंने कहा जी गड्डी सड़ गई है,
कि पता नहीं ख़राब हो गई है, हम रास्ते में हैं और 2 बजे तक तो लाहौर नहीं पहुंच सकते, आपका हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। मैं कि नहीं, आप अगर 2 बजे आती या 2 बजे से पहले आती तो मैं हॉस्पिटल नहीं था, मेरा ये ऑफ वीक जा रहा है, लेकिन आपने दुआ में आना है तो आप शाम को 7 बजे आ जाइएगा, और मेरा नहीं पता मैं 7 बजे भी आ जाऊँ और मेरा कोई पता नहीं मैं 10 बजे आऊँ। तो डॉक्टर साहब हमने तो फिर इस्लामाबाद जाना है। मैं कह जी फिर थोड़ी मर्ज़ी, लेकिन एक बात मैं आपको, नहीं तो डॉक्टर साहब हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, खामद भी परेशान है। मैं कह जनाब ने जी कैफियत बताई है ना, ये उदे नाल है, जो आपकी तड़प फड़क है ना, तुम कहते हो ये गड्डी उड़ती क्यों नहीं पई, वो सड़ गई है बेचारी, जिनी दौड़ सकती थी दौड़ी है। मेजर साहब भी बेचारे हम की करें, और नहीं डॉक्टर साहब इसको गाड़ी को समझ नहीं आ रही क्या हो गया है। मैं कह तुम थोड़ी देर इधर उधर फिरो, गड्डी चू निकल के दरख्त की साइड पे दरख्त होंगे, हाँ जी हैं सड़क की साइड पे, मैं कह जी उन्होंने कोल चले जाओ, मेजर साहब ने गड्डी ठीक डील कर दो, गड्डी ठीक हो जाएगी। मैंने अभी पूछा नहीं, लेकिन वो इतने पहुँच गए ने, गड्डी गुड्डी ठीक हो गई थी। अब उन्होंने आते साथ बाहर ही मुझे सीढ़ियों में मिल गई हैं, डॉक्टर साहब हमने जाना है, बच्चे गाड़ी में हैं, परेशान है, मेरी पहले 5 मिनट बात सुन रहे हैं। मैं कहा अच्छा आए इधर आए, उधर आए, कहती हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने शायद बाबा जी के दरबार पर वो गलत दुआ मांग ली है, वो मेरी ना मुझे बताना भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं कहा आपको ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आपने नहीं, वो ओवरडोज हो गई ना वो, आपने, मैंने कहा जी आपने तार ऐसी माशाल्लाह जोड़ी है, तो लेकिन अच्छी ऐसे लोग होते हैं, मुखलिस लोग, सिंसियर लोग होते हैं, और ये मैंने कुर्बानी के बकरे हमदर्द दुआखाने भी कहता हूँ, कुछ 6 बंदों की एप्लीकेशनें अपने साथ लिए फिर रही थी, अपना कोई मसला नहीं, अपना बस यही सी कि डांट सानू मिलना, बाकियां दे यही मसले सन, उहदा भी ठीक हो जाए, उहदी तलाक रुक जाए, उहदा बच्चा ठीक हो जाए, उहदी शादी हो जाए, उसको जॉब मिल जाए, उसका ये सारे मसले, अपना कोई मसला नहीं। लेकिन इतनी दर्द थी उनके पास सबके लिए, ये दर्द ही असल चीज़ है, एहसास, ठीक है ना, असल एहसास आप जुड़े कहाँ हुए हैं। अब लोहे के ऊपर बैठ के तो आप कैफियत बढ़ाएंगे, उतुक वालियाँ हो जाए लाइया होनी ने, ठीक है, लोहे बेचारे की भी एक कैपेसिटी है, गर्म हो जाएगा, लोगों को इसकी समझ नहीं, वाइब्रेशन किधर से कहाँ जा रही है, वो हमारा सोच में, अगर आप सुभान अल्लाह कह देते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह कह लेते हैं, अल्लाह अकबर कह लेते हैं, मैं वैसे कहता हूँ, मेरी डिस्क्रिप्शन में, मैं मज़हब नहीं बोल रहा, मेरी अपनी जो अकल की बात, उसमें यह है कि आप उसको कह के न्यूट्रलाइज करते हैं, आप अल्टीमेट फोर्स को बीच में जब डालते हैं ना, तो खुद ऑटोमेटिक आजजी में जाते हैं और एक दूरी क्रिएट हो जाती है, थोड़ा सा फासला रहता है, नमाज कायम रहे ना, अल्लाह अल्लाह है तो बंदा बंदा है, याद आ गया कि गड्डी का कमाल नहीं है, अल्लाह का कमाल है, जापान का कमाल नहीं, अल्लाह का कमाल है, मुद्दा अल्लाह दे पाई जाओ, उहदे च काफ़ी बचत रहिंदी है, क्योंकि गाड़ी आजी में आए ना, या आप आजी में आ जाते, माँ माँ अपने बच्चे को खेलते हुए देखती है, देखा माशाल्लाह जिस तरह ये भागता है ना, किसी का बच्चा ऐसे नहीं भागता, और नॉल ही गोडे छिली बैठा हूँ, क्योंकि वो भीम उसकी, मुझे लगता है कि जाती है, जो उसकी सोच की भीम है, उसका प्यार गया है, वो एकदम ऐसे ही जैसे भागते को पीछे से ऐसे कर दिया किसी ने, उन्हें गिरने गिरना। सर ये फिर आप यानी माइट गॉटिक एसन के, इसका मतलब है कि नर्स नजर पर हक है, ये तो हम सब मानते हैं, ऐसे ही है। नहीं तुहाड़ी जिंदगी जी नहीं लगी थे, तुसी तजर्बा कर लो, मैं नहीं कहता 12 हक है कि नहीं, मैंने तो 12 का मतलब ही नहीं समझ आता, जादू भी कहते हैं 12 का, मुझे तो मतलब ही नहीं पता इसका क्या होता है, मैं इसको सोच कह रहा हूँ, मैं तो इस बहस में पढ़ते ही नजर होती है कि नहीं होती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि होती है, ठीक है, मैं उसे सोच कहता हूँ, आपकी सोच और आपकी कंसंट्रेटेड आपकी बीम, ठीक है, पॉजिटिव हो, करंट करंट है, वापडा का करंट करंट होता ही पॉजिटिव है, ठीक है, उसका इस्तेमाल नेगेटिव पॉजिटिव उसे कर रहा है ना, वही कलाशनकोफ जो है वो डाकू के पास है, वही कलाशनकोफ सिपाही के पास है, वही आपके घर है, वही फौजी के पास है, फौजी बॉर्डर पे शहीद हो गया, वाह जी वाह शहीद हो गया, पुलिस वाला उसी को यूज करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, डाकू पुलिस मुकाबले में मारा गया, ओ जी कुत्ते की मौत मारा गया, आपने खुदकुशी कर ली, वही कलाशनकोफ का इस्तेमाल है, और ये कलाशनकोफ ऐसी मंगी तार है, ये वापडा की वो तार है कि अगर वापडा का चेयरमैन भी उसको हाथ डालेगा तो वो भी लटक जाएगा, ये नहीं लिहाज करेगी कि चले आप तो चेयरमैन साहब हैं, वो उसे भी कहेगी तुमने इंशाल्लाह नहीं कहा, माशाल्लाह नहीं कहा, तुमने ये क्यों कहा, ये हमारी तार जो है, ठीक है, ये आजजी दिखावे की आजजी भी लाजमी है, ठीक है, ठीक है, वो क्योंकि आप हो सकते हैं अंदर से बहुत आजिज हो, लेकिन वो आजजी बाहर नहीं निकलती, लेकिन दूसरे तुम्हारे फैन जड़े ने वो कह लो हजरत साहब भी शरीयत टप्पे खड़े रहते, असी भी टप्पे खड़े हैं, ठीक है, तो
ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਉਹ ਟੱਪੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਖੱਪੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਬ ਆਈ ਪਈ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੇਟਾ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਯੇ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਕਹਤੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਾਰ ਜਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੀਨੋ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਰੋ ਨਾ ਹੋਰ ਕਰੋ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਤੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਕਰੇ, ਕਰ ਤੋ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਰ ਤੋ ਰਹੇ ਔਰ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਵੀ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ। علم القرآن خلق الإنسان علمه القرآن